सभी को कनाडा की ठंडी ठंडी मॉर्निंग। आज भी खूब बर्फ के गोले बरस रहे हैं। थोड़े थोड़े समय पर रुक रुक कर जो छोटे छोटे कपास जैसी जैसे फूल गिरते हैं ना, कपास के ऐसे गिरते हैं। ये ठंडा ठंडा मौसम है यहाँ का। और बेसिकली कनाडा जो है ठंडा कंट्री है। यहाँ से तकरीबन नवंबर से सर्दी शुरू हो जाती है और जो मार्च तक चलती है। और सर्दी में बेसिकली दिसंबर के मिड में यहाँ पर बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है और तब कम होती है बर्फ़। आते आते जनवरी में खूब बर्फ़ पड़ती है। जनवरी में तो खूब यहाँ ढका रहता है। इस समय तो फेब चल रहा है। फेब में भी देखो ये सब जगह सफ़ेद सफ़ेद हो रखा है। छतें सफ़ेद, घर की खिड़कियों पर बर्फ़। और इधर का व्यू देखिए, घरों के आसपास जो खाली स्पेस है वो सब की सब बर्फ़ से ढकी पड़ी है। और ठंड का तो अपना मज़ा होता है, लेकिन फिर भी हम लोग जैसे इंडिया से आते हैं तो इंडिया में क्या होता है, सर्दी पड़ती है, एक स्वेटर पहन लो, दो पहन लो, तीन पहन लो, तो सर्दी फिर भी रुकने का नाम नहीं लेती। लेकिन यहाँ क्या होता है, एक जैकेट पहनते हैं, एक कोट पहनते हैं, और शूज़ जो हैं बर्फ़ के मस्ट हैं, और ग्लव्स भी ज़रूरी हैं पहनने, और उसी से बर्फ़ की जो सर्दी पूरी है ढक जाती है। और ऐसे ही यहाँ पर लोग जो अपने कभी हम देखते हैं ना हॉरर मूवीज़ में भी देखते हैं कि बाहर से आते हैं बड़ा सा लंबा सा कोट अंदर टांगते हैं, तो अंदर जो घर होते हैं ना, अंदर घर के अंदरों में पूरी सेंट्रली हीटेड है। यहाँ पर कोई भी अंदर तो ठंड नहीं लगती, अंदर तो स्वेटर भी नहीं डालना पड़ता, वाली टी शर्ट डालो, पजामा डालो, आराम से जैसे भी आपको ठीक लगता है। लेकिन बाहर आपको पूरी तरह से अपने आप को ढक कर रखना पड़ेगा। और यहाँ पर गाड़ियाँ देखिए, लभी आमतौर पर लोग घरों में ही बैठे हैं क्योंकि आज संडे है, तो लोग भी अंदर रेस्ट कर रहे हैं। तो गाड़ियाँ भी यहाँ पर जो है ना सेंट्रली हीटेड है। जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो पिछली सीट पर बैठ जाओ तो वहाँ पर भी आपको हीटिंग का आनंद पूरा ही मिलेगा। खाली सर्दी उतनी लगती है जितने टाइम में हम बाहर निकलते हैं। जब हम घर से किसी गाड़ी में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, जितना टाइम हम गाड़ी से मॉल तक जाते हैं उतनी ही सर्दी लगती है। बाकी सर्दी नहीं लगती, गाड़ी में भी सर्दी नहीं है और उधर भी नहीं है। और बाकी यहाँ पर अपना ही एंजॉय करने का समय है। पिछली बार जब आए थे फेब में, तो फेब में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी, तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या होता था, बर्फ़ को निकालना। इतनी लंबी लंबी और जैकेट पहनकर बर्फ़ को निकालते थे और जैकेट के अंदर जो है बॉडी पूरी पसीने से भर जाती थी। और यहाँ पर देखो, अब यहाँ तो इस एरिया में अभी बर्फ़ निकालने का भी किसी ने स्टार्ट नहीं किया क्योंकि ये इस एरिया में नहीं किया क्योंकि ये शेलबॉर्न की तरफ है। और जब इधर जाते हैं टोरंटो वगैरह में या उधर दूसरी तरफ, तो वहाँ पर तो मस्ट है बर्फ़ निकालनी। तो आज तो देखो कोई भी नहीं निकला और मैं ही बर्फ़ का आनंद लेने के लिए निकली हूँ। जैकेट मेरी सारी भीग चुकी है बर्फ़ से। थोड़ा सा बाहर भी चलने को मन नहीं करता, कहीं पैर स्लिप हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए बाहर ही बैठी हूँ चेयर पर, आनंद ले रही हूँ बर्फ़ का। और ये लगातार ही गोले बरस रहे हैं, छोटे छोटे फूल जैसे धरती पर गिरते हैं, आसमान से सफ़ेद फूल गिरते हैं और ज़मीन पर जाकर समा जाते हैं, तो बहुत ही देखने में अच्छे लगते हैं। और पंजाब के लोग, जो पंजाबी लोग होते हैं ना, बहुत मेहनती होती हैं। जिसने कनाडा आना है पहले वो मेहनत करना सीख के, क्योंकि यहाँ से पर जो भी लाइफ है वो जीरो से स्टार्ट होगी। जीरो से स्टार्ट मतलब तो आपकी जो स्टडी है वो भी यहाँ पर, वो अपनी स्टडी की यहाँ वैल्यू डालते हैं। इसलिए जिसने भी आना है सीख ले कि मेहनत करनी है। बर्फ़ हो और चाहे कुछ भी हो, तूफान हो, लेकिन काम तो काम है, करना ही पड़ेगा। और बाकी आप सबको मैंने यहाँ का दृश्य दिखा दिया
और ये बहुत ही हमें आनंददायक लगा। आप भी इंजॉय करें। ओके।